लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थनगर के निवर्तमान सांसद जगदम्बिका पाल जी, उनसे जानेंगे। सर, आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या किस तरह का माहौल चल रहा है? एक तो आपने संशोधन कर लिया, मैं निवर्तमान नहीं हूँ, मैं वर्तमान सांसद हूँ और मेरा कार्यकाल अभी पूरा मई है। तो मतलब आपने भूतपूर्व बना दिया, लेकिन मैं वर्तमान रहूँगा। और क्षेत्र कैसा चल रहा है? 5 साल जो हमने मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में विकास का कार्य किया है, उससे जनता, मुझे लगता है गांव-गांव में सबका साथ सबके विकास को लेकर के, चाहे हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, हाईवे हो, ब्रॉडगेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, इसको जो एक गांव जैसा जिला था, आज इसको विकसित जिला बनाने का काम किया हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार तो प्रचंड समर्थन है। अगर 400 के पार देश में मोदी जी को सीटें मिलने जाने, तो 4 लाख से हम यहाँ जीतेंगे। बिल्कुल, 400 पार मोदी जी को सीटें मिलने जा रही है, सिद्धार्थनगर में आपको प्रचंड समर्थन है। इस बार का मुद्दा क्या होगा सिद्धार्थनगर जनपद के लिए? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? और विकास, सिद्धार्थनगर की विकास करें, विकास की बात करें, तो कौन से नए विकास की जरूरत है जो सिद्धार्थनगर में जो अभी तक नहीं हुआ और इस बार जगदम्बिका पाल जी करने जा रहे हैं? हर बार मैं चुनाव में मेरे मुद्दे होते हैं जिसको मैं वायदा करता हूँ, उसको 5 साल में पूरा करता हूँ, रिपोर्ट कार्ड हर साल देता हूँ। कोई सांसद रिपोर्ट कार्ड नहीं देता, कोई सांसद जिले मुख्यालय में रहता था, पहला सांसद हूँ जिला मुख्यालय पर रहता हूँ, कार्यालय बना के रोज़ 100-200-300 की जन सुनवाई करता हूँ, फिर क्षेत्र में जाता हूँ, रात को रात भर शादियाँ करता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज़ादी के बाद पहला सांसद हूँ जो देश की पार्लियामेंट में रोज़ बोलता हूँ, यहाँ की समस्याओं को उठाता हूँ, प्रदेश देश की ज्वलंत समस्याओं को। आज जो चुनाव हमसे लड़ रहे हैं, 10 साल सांसद खलीलाबाद से थे, एक बार भी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ विकास करूँगा, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैंने मेडिकल कॉलेज किया संत कबीर नगर में, 10 साल सांसद थे, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बना संत कबीर नगर में, क्यों नहीं पासपोर्ट ऑफिस बना संत कबीर नगर में, क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय बना संत कबीर नगर में, क्यों नहीं GPO जनरल पोस्ट ऑफिस बना संत कबीर नगर में, क्यों नहीं हाईवे आया आज सिद्धार्थनगर में, नई रेल लाइन डुमरियागंज बांसी जोड़ने वाली, किया क्या उन्होंने? एक तो बाहरी, जब संत कबीर नगर ने 2 बार से नकार दिया, बलरामपुर ने नकार दिया, तो इसको चारागाह समझ करके आ रहे होंगे। तो यहाँ जनता इस बार देखिएगा, रिकॉर्ड में तो जीतेगी, शायद वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। सर, इंडिया गठबंधन जो है, सभी पार्टियाँ एकजुट हो गई हैं, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी पार्टियाँ इकट्ठा कहाँ हो गई? बसपा और सपा एक हो गई, बसपा सपा, आम आदमी पार्टी और कुछ छोटी छोटी पार्टी, सपा जो है, और जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य पार्टी। इस प्रदेश में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, यही 4 पार्टी है ना, जिसमें अभी तक सपा बसपा भी पोटेंशियल मानी जाती थी। तो 19 के चुनाव में इससे ज़्यादा पोटेंशियल गठबंधन यूपी में था। मायावती और अखिलेश एक होकर लड़ रहे थे मेरे मुकाबले, और उन्होंने हमारे सामने, कांग्रेस ने एक अलग दिया था उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय को। ऐसी परिस्थितियों में मैं 1.25 लाख से जीता हूँ, अब की तो बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, 4 लाख से जीतेंगे। अच्छा, एक दिन के आप मुख्यमंत्री हैं और आपकी तुलना अनिल कपूर से की जाती है, तो क्या क्षेत्र में जो काम का जो रुतवा रहता है, जिस तरह से अनिल कपूर ने पिक्चर में डायरेक्ट जाके तुरंत निष्कासन, तुरंत लोगों का काम, उस पर क्या कहेंगे? एक तो मैंने पिक्चर नहीं देखी, वो सौगंध है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ना मैं अनिल कपूर जानता हूँ, मैं अपनी स्टाइल से काम करता हूँ, अपनी स्टाइल से जीता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। जगदम्बिका पाल जी, जिनका कहना है कि इस बार जो है मोदी जी के जो है लोकसभा में 400 पार का सीट आने वाली है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।